बाकी है, ये खुद बताएंगे। आँख पे लगी चोट, सब मुंह से बताना आपने कहाँ कहाँ चोट लगी। मेरी जवान भी जला दी है, मेरी जवान भी जला दी है। जवान भी जला दी है। हाँ, मैंने बोला उनसे कि मतलब मेरे रात मेरे देवर ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया तो मेरी जवान भी जला दी है। हम आए हैं उधर दौली रकबा दयाल तिलपुरा से। थाना थाना सीबी गए तो एसएसपी ऑफिस आए हैं तो क्या क्या मामला है? एसएसपी ऑफिस पूरी बात बहुत अत्याचार हुआ है मेरे ऊपर, मेरे देवर ने बलात्कार किया मेरे साथ, इसलिए मैं इनसे न्याय लेने आई हूँ। देवर ने? हाँ, और मतलब नंद ने, सास ने और एक किराएदार नहीं है उसने, सबने मुझे मिलकर मारा, ससुर ने और जेठ ने। क्या क्या नाम है? एक नंद का नाम रानी है और जेठ का नाम रफीक है और क्या नाम है, सास का नाम सन्नो है और ससुर का नाम शरीफ है और किराएदारनी का नाम वो है असलम। लड़ाई की वजह ये रही कि वो मतलब मेरे कमरे में रात को घुसाया और उसने मुझे तमंचा दिखाया और उसने मुझसे कहा कि मतलब अगर शोर मचाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो मैंने मतलब डरू मतलब थाने गई हूँ। थाने नहीं गई हूँ मैं, बहुत मुश्किल से मैं भाग कर आई हूँ वहाँ से, निकल धक्के मार के उन लोगों ने निकाल दिया, तो मैं मतलब आई अपने घर पे। तो मुझे 23 तारीख को 23 तारीख की ये घटना रात 12 बजे की मिली। कुछ नहीं, उन्होंने ये कहा कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी? हाँ सर। सर कौन सी मीडिया से आए हैं आप? पब्लिक मीडिया। क्या समस्या है? स्पेशल थोड़ी आया, कोई लगेंगे तो यही सही है। जब दिया मानवती मानवती से बोला। कहाँ रहती हो? भले ही भले ही भले ही थाना थाना विशारदगंज। क्या समस्या है जो एसएसपी ऑफिस आई हैं? समस्या का मारते हैं बहुत हमारे, मारतेंगे और कहते हैं कि तूने जो नहीं दिए, तेरे बाप ने जो नहीं दिया वो जो नहीं दो कि 2 लाख रुपए लेके आना तब आना मेरे घर, ना आना। कौन मारता आपको? हमारे घर वाले मारते हैं। क्या नाम है? संजीव। तो इसकी शिकायत आपने थाने में की कभी? थाने में तो ना कभी। थाने गई? घर वाले परेशान बहुत करते हैं और जो घूम मारते पी पी के। थाने गए? थाने में कुछ सुनी ना आई? थाने में गए तो सुने ही ना करी थाने। तो साहब से मिलने आई? हाँ साहब से मिली। तो क्या आपसे मिले मिले ना आप जा रहे हैं।